हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय चैनल। आज इसमें हम फ्रंट ब्लाउज जो होता है फोर टक्स वो सीखेंगे। तो बैक जितना है हमने कपड़ा निकाला था, फ्रंट में भी उतना निकालना है। इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी कि दोनों फल्ले की कटिंग कैसे करना है। आपने आगे से ना एक एक सेंटीमीटर लेना है, हाफ इंच भी नहीं, हाफ इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एक एक सेंटीमीटर लेना है। क्यों लेना है? जो ये मार्जिन हम लेंगे हुक और आई का मार्जिन होगा, तो आपने क्या करना है, एक एक सेंटीमीटर पूरी लेंथ आपने यहाँ से लेनी है। और जितनी भी आपकी लेंथ होती है ब्लाउज़ में, फ्रंट में डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। आपको पता है कि 14.5 है, तो यहाँ से मैं डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 14.5 में डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 16 इंच आ जाएगा लेंथ में। अब देखिए, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ़ करना है, क्योंकि छोटे नेक हैं, शोल्डर जितना भी है उसका हाफ़ करना है। और अगर ऊपर से तिरछी आड़ी काड़ी लाइन में सीधा कर लें, तो मेरा शोल्डर 15 है, तो 15 का आधा 7.5, और 1 इंच में नीचे से इसको जो है डाउन करने के लिए लूँगी, ठीक है। ये डाउन तभी करना है जब आपका एक से लेकर 4 तक का नेक होगा। बैक गले की चौड़ाई जो हमने बैक में ली थी ना, अगर आपने बैक की वीडियो देखी कि 2.2 मैंने गले की चौड़ाई ली है, नीचे से भी मैंने 2.2 ही नीचे से चौड़ाई ली है, ठीक है। अब इस तरीके से शोल्डर को डाउन करना है, उसके बाद ऊपर का हिस्सा छोड़ते हुए 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाना है। सभी केस में इसी तरीके से होगा अगर आपका बैक नेक 0 से 1 से लेकर 4 तक का बनता है। उसके बाद 7 इंच पर आपने निशान लगाना है, 7.5 इंच हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरीके से आपने जो है राउंड शेप देना है। तो आपने ये ध्यान रखना है 1 सेंटीमीटर तक अंदर जाएंगे, और उसके बाद सभी साइज़ में ऐसे ही लगेगा, ठीक है। आप जितना भी ब्लाउज़ बनाते हैं उस सभी साइज़ में ऐसे लगेगा। आर्म होल का हाफ़ करना है, हाफ़ करने के बाद उसका आपने जो ये शेपर होता है, राउंड शेपर है, उसमें आप थोड़ा सा पॉइंट निकालेंगे, 2 पॉइंट जितना, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो है राउंड शेप देनी है। आप चाहे कितने भी चेस्ट का साइज़ का ब्लाउज सिल रही हो, अगर बैक नेक आपका 1 से लेकर 4 तक है, तो यही ड्राफ्टिंग होगी, कोई नहीं अलग से नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने जो ये जो आपकी फ्रंट की गुलाई है 1 इंच की आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर है उसका आपने यहाँ से हाफ करना है, शोल्डर का हाफ करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने 9.5 इंच के टैक्स का पॉइंट लगाएंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा, 9 इंच है तो मैं 9.5 लगाऊंगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा। एपेक्स पॉइंट कितना था मेरा, 6.5 था, तो 6.5 का आधा करेंगे 3.5, और मार्जिन वाले एरिया को छोड़ते हुए आपने निशान लगाना है। और इनके बीच का जितना भी गैप आ रहा है, यहाँ पर 1.5 इंच जितना, 1 इंच में 2 पॉइंट जितना गैप आ रहा है 32 के चेस्ट में, तो 1.2 के में आपने तीनों तरफ वही लगाना है, वही गैप आपने लगाना है, कोई एक्स्ट्रा गैप आपने नहीं लेना है। उसके बाद आपने आर्म होल में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो जितने से मान लीजिए आपका 1.5 है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिएगा आर्म होल की गुलाई देने के लिए। तो आर्म होल की गुलाई देने के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देती हूँ। अब उसके बाद यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे करेंगे बताती हूँ। इस तरीके से आपने आर्म होल से, यानी कि 1 इंच ऊपर होना चाहिए, बस आर्म होल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर आपके राउंड शेप आनी है, ये मतलब कि इस तरीके से आपके लाइन आनी है, फिर नीचे से भी स्ट्रेट होएगा, और यहाँ से भी आपने तिरछा डाउन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो है टक्स के निशान लग जाते हैं। अब उसमें आपके 14.5 आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है, तो 1/2 इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए चला गया, 15 इंच और 1/2 इंच आपकी जो है नीचे की तुरपाई पट्टी के लिए भी चला गया। तो टोटल आपने मार्जिन यहाँ से 1.5 इंच लेना है। इसे बैक में 1 इंच लेते हैं, तो फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 1.5 इंच लेते हैं। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। 14.5 थी, तो ये मेरी जो लेंथ है 16.5 पर आ गई है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, फ्रंट की ड्राफ्टिंग वैसे ऑलमोस्ट हो चुकी है। आपने क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच, कोई कोई क्या आते हैं यहाँ से फ्रंट में कम कर देते हैं, फ्रंट में हम कम नहीं करते हैं, हम बैक में करते हैं। उस वीडियो में बताना भूल गई थी, तो आपने याद रखना फिटिंग वाली साइड से बैक में ही आपने फ्रंट में कम करना है। जैसे ये देखिए बैक वाला हिस्सा है, तो बैक वाले में ही आपने यहाँ से फिटिंग वाले निशान से लेकर आपने इस तरीके से तिरछा
ड्रॉ करना। ये खाली फ्रंट में बैक के लिए होता है, फ्रंट के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है और कटिंग करके निकाल देना है। इस तरीके से फोर टक्स ब्लाउज़ की जो है ड्राफ्टिंग हो गई है। हर साइज़ में आपने इस तरीके से करना है। अब देखिए दो दो पॉइंट में आपने दोनों तरफ से दबाना होता है, यानी कि हाफ इंच से कम कम आपने ये वाली जो टक्स होती है दो दबाना है। नीचे की टक्स हाफ हाफ इंच लगती है, क्योंकि एक इंच हमने नीचे की तरफ मार्जिन लिया कमर वाली साइड से, तो हाफ हाफ इंच दोनों तरफ और ये वाली जो मार्जिन वाली तरफ से तीनों की दो दो पॉइंट दबनी, यानी कि ये दोनों तीनों तो दो दो पॉइंट और नीचे वाला हमारा एक इंच का है। गले की राउंड शेप देके इसको ख़त्म करना है। अब ये फिनिशिंग हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्जिन से आपने जहाँ जहाँ आपने चौक के निशान लगाए हैं वहीं वहीं से आपने कटिंग करनी है एकदम, और कैंची को ना दबा के कटिंग करनी है, क्योंकि अस्तर पे ही सिखा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका कपड़ा तिरछा विरछा कर रहा है तो ऐसे आपने स्ट्रेट करके आप सीधा कटिंग निकाल सकती हैं, ठीक है। आप इसको बंद वाली साइड खुली वाली साइड कैसे भी काट सकती है, लेकिन बंद वाली साइड आप अपनी तरफ रख के ही काटिएगा, ताकि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमारा जो है ये कपड़ा इधर उधर नहीं भागता। अब आपने शोल्डर की कटिंग करनी है। हर साइज़ में आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है, हर मेज़रमेंट सेम ही होगा। बस आपका बैक नेक 1 से 4 इंच तक होना चाहिए, चाहे आपके चेस्ट 55 या 60 तक क्यों ना हो। और फिटिंग का नाप चेंज हो जाएगा और टक्स का नाप चेंज हो जाएगा। टक्स का नाप में क्या होगा कि जो एपेक्स पॉइंट होता है ना उसका हाफ करके आपने वहाँ पर निशान लगाना है, फिर बीच में से जो भी एक्स्ट्रा बचता है उसमें आपने तीनों में सेम निशान लगाना है, बस आर्म होल में 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाना है, ठीक है। बस यही होगा इसमें। और जहाँ जहाँ आपने ये आपने निशान लगाए हैं ये नीचे के, आपने यहाँ पर आपने नोचिस के निशान लगाने हैं। उसके बाद आपने पैक में, मतलब कि जो मेरी ड्राफ्टिंग हो गई थी सीधी तरफ हो गई थी, तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी ड्राफ्टिंग जो है उल्टे कपड़े पर होनी चाहिए। जो कपड़े की स्टिचिंग होती है ना उल्टी तरफ होती है, तो सीधी तरफ आपने नहीं रखना। मैंने कपड़ा सीधी तरफ बिछा दिया था। अब इसको डैब डैब करके ऐसे करके आप दोनों तरफ ले सकते हो, और आपने जो हुक है मेरा फ्रंट में बन रहा है, तो इस तरीके से मेरा हुक जो है फ्रंट में, तो फ्रंट की साइड से मैंने कटिंग कर दी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस चीज़ का ध्यान रखिए, अपना फिटिंग वाला निशान लगा लीजिए। 8.5 मेरी फिटिंग है चेस्ट का चौथा हिस्सा करके, उसमें +2 करना है, यानी कि जो भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करके आपने निशान लगाना होता है। कमर में भी सेम ऐसे जैसे बैक में लगाया था ना, मैंने बैक का बता दिया, ऐसे कमर में फ्रंट में भी सेम ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं है। चेस्ट का चौथा हिस्सा करके +2 करना है। पहले 32 है, 32 में 2+ करो, फिर उसका चौथा हिस्सा निकाल के फिर 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लो। अब आपने क्या करना है, देखिए गले के लिए जो है तिरछी पट्टी की कटिंग करनी है, तो हमारा फ्रंट में तिरछी पट्टी की कटिंग होगा। बैक के लिए तो मैंने ऑलरेडी बताया दिया था कि किस तरीके से कटिंग करना है। अगर पट्टी लगा रहे हो तो 1 इंच में कम, 2 पॉइंट कम लोगे, 1 इंच में 2 पॉइंट कम जितना लोगे, 1 इंच में 2 पॉइंट जितना कम लोगे, और आपने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हमारी क्या है, गले की पट्टियाँ निकल देगी इस तरीके से। और अगर पाइपिंग लगानी तो 1 इंच की लोगे, और पाइपिंग वाली वीडियो में बाद में बताऊंगी किस तरीके से पाइपिंग लगाई जाती है। ब्लाउज में अगर पट्टी लगा लो तो आगे और पीछे दोनों तरफ पट्टी ही लगेगी फिर, ठीक है। अब इस तरीके से आपने, इस तरीके से हमारी जो है ये पाइप, ये पट्टी जो है निकल चुकी है। आप देखिए कि आपके गले के लिए आ जाएगी तो आराम से, तो फिर उतनी ही निकालो। तो ये मेरे गले के लिए पूरी बैठ गई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हुकाई के लिए, हुकाई कह रही है वो जो स्टिच बटन लगाते हैं ना अंदर की मार्जिन स्टिच बटन, जहाँ से हमारी सेम वो स्टिचिंग बद्दी होती बाहर नहीं आती, वो करना है। इसे करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब आपने इस पर ऐसे कटिंग करनी है, यानी कि हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। हाफ इंच नीचे दब जाएगा, हाफ इंच नीचे दब जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कटिंग कर लेना आप, ठीक है। और इसको आपने हुक, ये जो है हुक और आई की पट्टी बनेगी, तो किस तरीके से बनेगी वो बता देते। इस तरीके से कटिंग करनी है आपने। और इसके बाद जो हमारा आई है वो 3 इंच है, ठीक है। आई की पट्टी 3 इंच है, और हुक की पट्टी आप चाहो तो 2 इंच ले सकते हो। तो अस्तर में तो कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है ना, क्योंकि पतला कपड़ा होता है, लेकिन फैब्रिक में आप ऐसे ले सकते हो।
अब स्लीव्स की भी कटिंग बता देती हूँ, जितने भी आपके चेस्ट हैं उसका चौथा हिस्सा करके 32 है, 32 का चौथा हिस्सा 8 है, 8 32 है, 32 का पहले हाफ करो 16 इंच आ गया, ठीक है। मार्जिन लो जितना आपको मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1.5-2 इंच इतना मार्जिन ले लेती हूँ, तो 16 का आधा कितना हो गया 8, और 8 में 2 इंच मार्जिन यानी कि 10 इंच। तो इस तरीके से आपने फोल्ड करना है फैब्रिक को, चार पल्ले में इस तरीके से फोल्ड करना है। अब आपने नीचे से लाइन ड्रॉ करना है, आप नीचे से 1.5 या 1 इंच मार्जिन लीजिए जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे 6.5 इंच अपनी स्लीव्स की लेंथ रख रही हूँ, यानी कि 6 इंच है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी चेस्ट है उसका 8 निकल रहा, तो 8 में 1 इंच कम कर दो, 7 इंच आ जाएगा, और नीचे 3 इंच की गोलाई देनी है। हर साइज़ में आपने 3 इंच देनी है। अगर आपके चेस्ट 38 से ऊपर है तो 3.5 देना नीचे की गहराई, और यहाँ पे 1 इंच कम करते हुए 7 इंच पर आपने निशान लगाना है, और 1.5 या 2 इंच आप अपने अनुसार मार्जिन रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा कटिंग हो रही है तो आप अपने अनुसार रख दीजिए। 7 इंचिस पे निशान लगाऊंगी, उसको स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूंगी, और 3 इंच मेरा यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई देनी है, इसका आपने हाफ करना है, और ऊपर से यहाँ पे सेंटर का निशान लगाना है, और कर्व शेप लेकर आपने इस तरीके से मिलाना है। ये आपका बैक का हो गया। अब फ्रंट में क्या करना है, इसका हाफ करते हुए 1 सेंटीमीटर जितना आपने यहाँ से निशान लगाना है, ऊपर से निशान लगाना है 1.5 इंच आपने छोड़ते हुए, और यहाँ से आपने इसको ऐसे करके मिलाना है। इस तरीके से आपकी फ्रंट और बैक की कटिंग हो जाती है। बीच में 1 इंच का गैप आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब आपने फिटिंग के निशान से नीचे तक आपने इस तरीके से मैचिंग करनी है, और इस तरीके से भी आपने नीचे फिटिंग के निशान तक एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। आप 1 या 1.5 इंच इतना मार्जिन ले सकती हैं। अब आपने कटिंग करनी है नीचे से, पहले आपने एक्स्ट्रा मार्जिन से कटिंग करोगे, उसके बाद आप दूसरी तरफ से मार्जिन से यहाँ से कटिंग करोगे। इस तरीके से आपने यहाँ से कटिंग करनी है, अब उसके बाद यहाँ से कटिंग करनी है, उसके बाद आपने गोलाई से कटिंग करनी है। और ये चीज़ याद रखनी है, जो आपके पल्ले होंगे ना अंदर से दोनों सीधी साइड होने चाहिए, यानी कि अंदर जो कपड़ा होगा 4 लेयर में होगा तो सीधी साइड अंदर होना चाहिए। और आपने एक फिटिंग वाले निशान पर कट का निशान लगाना है, जहाँ से फोल्ड कर रहे हैं वहाँ से भी कट का निशान लगाना है। और उसके बाद आपने दोनों पल्ले उठाने हैं, 2 पल्ले उठाओगे और यहाँ पर आपने गहराई देनी है। तो इस तरीके से आपकी जो है फ्रंट हो गया, और ये जो हो गया पीछे की साइड, नीचे बैक हो गया, तो ये बैक हो गया। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो आपका हिस्सा होगा वो अंदर सीधी साइड होंगे, बाहर रोंग साइड होगी, फ्रंट के साइड पे हमने टक्स का एक नॉच लगा लेना है। तो इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग जो है आपकी रेडी हो जाती है। तो याद रखिए स्लीव्स की ड्राफ्टिंग है, और इस 4 लेयर में हमारे स्लीव्स हमारी कटिंग की जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको सभी स्लीव्स कटिंग मतलब कि बता दिया किस तरीके से होना है। वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। और अब मैं अपने फ्रंट के लिए जो है 1.5 इंच की पट्टी निकाल रही हूँ, हुक पट्टी, ठीक है। बैक और फ्रंट की हुक पट्टी निकालनी है, तो निकाल रही हूँ 1.5 इंच की पट्टी मैंने कटिंग करके निकालनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।